हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7.1 क्लास सेवेंथ इंटीजर की फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर वन, फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। किसी एक दिन का डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर गिवन है। इस नंबर लाइन पे इनका टेम्परेचर उन प्लेसेस को दिखाया गया है, इस नंबर लाइन पे उन प्लेसेस को दिखाया गया है, और इस नंबर लाइन की हेल्प से हमें इस लाइन को ऑब्जर्व करके गिवन प्लेसेस का टेम्परेचर पता लगाना है। आइए पता लगाते हैं। पार्ट नंबर ए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस जो नंबर लाइन पे आपको प्लेसेस दे रखे हैं, उन प्लेसेस का टेम्परेचर पता लगाना है। जैसा कि हम अर्लियर वीडियो में, फर्स्ट वीडियो ऑफ इंटीजर में देख चुके हैं कि नंबर लाइन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स में होता है। तो जैसे हम जीरो से मूव करते हैं टू वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले वन, नेगेटिव वन, फिर आता है माइनस टू। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर हुआ क्या हुआ, माइनस टू। श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हुआ, माइनस टू। तो हम यहां लिख देते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, माइनस टू। फिर और आगे चलते हैं, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या हुआ, माइनस एट। इसके बाद आते हैं शिमला। जैसे हम जीरो से राइट हैंड साइड चलते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे जो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री, कितना डिग्री है, 5, ठीक है, ये 5 है। इसी प्रकार ऊटी पे आते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 14 है, तो ये क्या हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से ऐड कर ले, डिग्री सेल्सियस लगा लेना। फिर 21, 22, 20 के बाद आता है 21, 21 के बाद आता है 22, बेंगलुरु का क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, इसलिए इस प्रकार हमारा क्या है, जो ए पार्ट है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। यस, हमने क्या किया, इनके टेम्परेचर को लिख दिया। आप यहां भी लिख सकते हो इनका टेम्परेचर कि माइनस एट आपका लाहौल स्पीति का है, श्रीनगर का क्या है, माइनस टू, शिमला का क्या है, 5, ऊटी का क्या है, 14, और बेंगलुरु का क्या है, 22। जो गिवन प्लेसेस हैं उनके टेम्परेचर को मैं सर्कल में ले लिया है, इन्हें माइनस एट, माइनस टू, फाइव, 14, 22, और कनेक्ट कर दिया है, जिस श्रीनगर एरो से कनेक्ट कर दिया है कि भाई लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, माइनस एट, श्रीनगर का क्या है, माइनस टू, शिमला का क्या है, 5, ऊटी का क्या है, 14, और बेंगलुरु का क्या है, 22। नाउ वी कम टू बी पार्ट। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। जो अबव गिवन प्लेसेस हैं उनका टेम्परेचर गिवन है, तो हमें पता लगाना है कि जो सबसे गर्म प्लेस है और जो सबसे ठंडा प्लेस है उनके टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। अब सबसे गर्म प्लेस कौन सा होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे अब गर्मी चल रही है, तो गर्मी में क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्मी ज़्यादा लगती है, और सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर को पहले हम
देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, और फिर देखेंगे सबसे कम टेम्परेचर किस प्लेस का है, फिर सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे, इस पर प्रकार में क्या मिलेगा, डिफरेंस। क्लियर करें, लीजिए हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस क्या है, ये तो -8 है, -8 से बड़ा क्या है, -2 है, -2 से बड़ा क्या है, 5 है, 5 से बड़ा क्या है, 14 है, 14 से बड़ा क्या है, 22। तो बेंगलुरु क्या हुआ, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट प्लेस क्या हुआ, हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर, हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर क्या है, 22, ठीक है। कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर, आइए कोल्डेस्ट देखते हैं, लाहौल स्पीति -8। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस डिफरेंस क्या आता है, हॉटेस्ट जो ज्यादा है 22 -8। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम पॉजिटिव में से किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो सेकंड वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप इसके लिए सेकंड वीडियो जरूर देखिए। आइए 22 -8 तो इट बिकम्स 22 + 8, एंड 22 में जब 8 को जोड़ा जाता है तो इट बिकम्स 30। 30 क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस, क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है, ये डिग्री सेल्सियस है, जीरो में समझना, 30 कितना टेम्परेचर आया, 30 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर, ओके। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसे आप पॉज कीजिए वीडियो को और इसे राइट डाउन कर लीजिए, अब मैं रख कर देता हूं इसे। आइए अब थर्ड सी पार्ट करते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ये आपका लाहौल स्पीति और ये आपका श्रीनगर, तो इनका डिफरेंस निकालना है। अब ये बताइए, श्रीनगर ज्यादा है, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 ज्यादा है या लाहौल स्पीति का -8 ज्यादा है। देखिए नेगेटिव में जब दो इंटीजर्स गिवन होते हैं, तो जब कोई भी दो नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स हैं नेगेटिव, तो जो भी आपका नेगेटिव में छोटा होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, तो -2 यहाँ क्या हुआ, ज़्यादा, और -8 क्या हुआ, कम। तो डिफरेंस निकालने के लिए -2 से हम क्या करेंगे, -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, टेम्परेचर
ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति ये क्या है माइनस 8 डिफरेंस। अब क्या करेंगे डिफरेंस निकालते हैं। -2 -8 तो जब -2 में से -8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वन मिनट इसे रब कर लेते हैं, एट श्रीनगर बाद में लिख देंगे। तो -2 + -8 क्या हो जाएगा +8, तो ये आ जाएगा आपका -2 + 8 तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस एडिंग करें, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर की जब हमने एडिंग करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आप बिना साइन को देखे बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, 8 - 2 = 6। अब बड़े का साइन देखिए क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति का क्या आया, 6 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, पॉज कीजिए और इसे आप देख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। यहां पे आपका टेम्परेचर एट श्रीनगर था, तो अभी लिख देता हूं एट श्रीनगर। आइए, आपका सी पार्ट हो चुका। फर्स्ट का आंसर क्या था आपका, फर्स्ट के तो प्लेसेस के लिख दिए थे, सेकंड का क्या था 30 आया था, इसका 30 डिग्री का डिफरेंस था ना आपका, 30 डिग्री सेल्सियस ये आंसर हो जाएगा आपका। और अभी थर्ड का क्या आया है, थर्ड का आया है 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, और अब डी पार्ट पे, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इसमें बोला गया है कि श्रीनगर का और शिमला का टेम्परेचर हम इकट्ठा ले लेते हैं, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम टेकन टूगेदर उन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं, इट मीन्स दोनों को ऐड कर देते हैं, और फिर बताइए क्या उसका टेम्परेचर है जो शिमला से कम है, लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। आइए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करना पड़ेगा। आइए पहले ऐड करते हैं, डी पार्ट में है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2, टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, शिमला का क्या है 5 टेकन, आप इन टोटल टेम्परेचर देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, टेम्परेचर टेम्परेचर टूगेदर। ठीक है, दोनों का साथ, तो -2 + 5 इट बिकम्स 3। क्या है आपका, जब -2 में 5 को ऐड करते हैं तो 3 आता है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ 3, और टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है 5। यस, लेस देन है ना, क्योंकि अब टेम्परेचर शिमला का कितना है, शिमला का टेम्परेचर है 5, और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और शिमला दोनों का कितना है 3, तो इसलिए क्या हुआ यस, कैन इसे यस कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा यस, आप यस लिख सकते हैं।
इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? क्या ये जो थ्री आया है दोनों का, दोनों टेम्परेचर को जोड़ने से जो आपका थ्री आया है, क्या वो टेम्परेचर आपका श्रीनगर से भी कम है? श्रीनगर का माइनस टू है और दोनों का सम कितना आया हमारा टेम्परेचर का? थ्री आया है। माइनस टू से कम है थ्री? नहीं ना, ज्यादा है, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सेकंड का आंसर हो जाएगा नो। मैं लिख देता हूं इसका सेकंड पार्ट है नो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।